टेलीविज़न की मोस्ट पॉपुलर जोड़ी, टेलीविज़न की सबसे फेमस जोड़ी सुंबुल तौकीर खान और फहमान खान की लड़ाई में प्रियंकित के फैंस ने मारा बाजी। सुमान के फैंस रह गए पीछे और प्रियंकित बन गए नंबर वन। तो फिर चलिए आपको बताते हैं कि कैसे सुंबुल और फहमान की लड़ाई अब इन दोनों को एज एन प्रोफेशनल भी भारी पड़ते नजर आ रही है। तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। जब भी आपकी जोड़ी टेलीविजन हो या फिर मूवी इंडस्ट्री हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जब आपकी जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है तो सबसे ज़्यादा सिक्योर रहने की ज़रूरत होती है। लेकिन सुंबुल और फहमान की जोड़ी में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी थी और दोनों की दोस्ती भी इतनी यूनिक थी कि इन दोनों की केमिस्ट्री को लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। फिलहाल के लिए तो टेलीविज़न में इनको कोई भी टक्कर देने वाली जोड़ी नहीं थी। दूसरे नंबर पर प्रियंकित की जोड़ी थी, लेकिन फिलहाल के लिए जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है उसका अब साफ तौर पर नज़ारा दिखने लगा और फैंस के बीच में भी दोनों की जंग की जो तस्वीरें अब सामने आ रही है उससे साफ जाहिर है कि अब सुमान की जोड़ी को पछाड़ प्रियंकित नंबर वन बन गए हैं। वैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये स्क्रीनशॉट है जो आप देख सकते हो, टॉलीवुड के इस वीक में सुमान की जोड़ी को दूसरे नंबर पे रखा गया है। सुमान की जोड़ी को पछाड़ दिया है प्रियंकित की जोड़ी ने। हालांकि आपको बता दूँ, प्रियंकित की जोड़ी में कोई भी बवाल नहीं है, कोई भी लड़ाई नहीं है, कोई भी गिले शिकवे नहीं है, लेकिन सुमान की जोड़ी में जिस तरीके से एक एक कर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि सुंबुल और फहमान की जोड़ी अब टूटती नज़र आ रही है। यही वो बड़ी वजह है कि प्रियंकित की जोड़ी, सैराट की जोड़ी, ये जोड़ियां अब आगे निकल रही है और सुंबुल फहमान के सुमान फैंस कहीं ना कहीं अपने आप में भी इमोशनल फील कर रहे होंगे क्योंकि उनके स्टार्स जिनको इतना ज्यादा पसंद किया जाता था और जब तक सुंबुल और फहमान की कंट्रोवर्सी नहीं थी, सुमान फैंस को टक्कर देने वाली जोड़ी फिलहाल के लिए इंडस्ट्री में नजर नहीं आ रही थी। लेकिन इसका सीधा और सिंपल उदाहरण है, प्रियंकित की जोड़ी ने मार लिया है बाजी इसी के चलते। क्योंकि आपको बता दें, बीते दिन फहमान खान ने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें साफ कर दिया था कि फहमान और सुंबुल के रिश्ते अब पहले जैसे नहीं है जैसा कि लोग सोचा करते हैं। तो साफ तौर पे है कि सुंबुल और फहमान को एक भारी लॉस हुआ है। एज एन पर्सनल तो हुआ ही है, एज एन प्रोफेशनल भी नजर आएगा इन द नियर फ्यूचर। क्योंकि अगर आपकी जोड़ियों को लोग पसंद करते हैं तो ज्यादातर प्रोड्यूसर्स, ज्यादातर कास्टिंग डायरेक्टर आपकी उन्हीं जोड़ी पर दाव लगाएंगे जिनको टीआरपी पे ज्यादा सपोर्ट किया जाता है, जिनको ऑडियंस का ज्यादा सपोर्ट है। फिलहाल आपका क्या है ओपिनियन, आप बताना कमेंट बॉक्स में कि क्या वाकई सुमान की जोड़ी इंडिविजुअल होकर उतनी पॉपुलर हो पाएगी, क्या सुंबुल को भी लॉस होगा या फिर फहमान को, इन जोड़ियों के टूटने में आखिर किसका है लॉस, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब।